2024 में कैसे इन्वेस्टमेंट करें सो दैट एक अच्छा खासा पैसा हम भी कमा पाए। तो चलिए आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आखिरी तक जरूर देखना, और अगर वैल्यूएबल चीज लगे तो कमेंट जरूर करना। और अगर आप किसी व्यक्ति, किसी दोस्त और किसी मेरे भ्राता के पास टाइम ना हो तो ये वीडियो प्लीज आशा करता हूँ कि वॉच मी लेटर लगा दीजिए, सो दैट जब भी टाइम मिले तो वीडियो पक्का देखिएगा। क्योंकि 2024 में अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहे या कोई बंदा होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कैसे, जैसे मान लो आज मैंने 1,00,000 रुपए लगाए, 20% मुझे 5 दिन में मिल गया मार्केट से बाहर। ये ही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपको रातों रात तो नहीं महीनों महीनों में अमीर जरूर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एकदम आखिरी तक के लिए बैठने के लिए पहले धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है आप जरूर बैठने वाले हैं। क्योंकि इसको वीडियो को अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो बाद में शायद 2024 में आप भी बोलोगे काश रवि भाई की वो वीडियो डीडी पूर्वी ट्रेडर वाली देख लेते तो शायद कुछ पैसा हम भी कमा लेते। तो चलिए इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। और ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, जो भी मैं चीज यहाँ बात करने वाला हूँ काल्पनिक नहीं है, प्रैक्टिकल है। इस चीज को पहले आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, हिस्टोरिकल डेटा देखिए, अगर आपको भरोसा हो तो ही आप किसी चीज में निवेश और इन्वेस्ट कीजिएगा। यहाँ सारी चीजें एजुकेशनल पर्पस है, कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं की जा रही। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली ट्रेडिंग का बड़ा पापा। कैसे, देखिए ट्रेडिंग होती है दोस्तों 3 प्रकार से। पहले हम पैसा बनाते हैं इंट्राडे 6 घंटे की ट्रेडिंग। इसमें आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसमें काफी लोग पैसा गंवाते हैं, जिसके अंदर में एक बोलते हैं ना डार्क साइड है ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट। उसके बाद में आपकी आती है ट्रेडिंग के अंदर स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप एक दिन से लेकर के ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक वेट करते हो और फिर पैसा बनाते हो। उसमें भी पैसा नहीं बन पाता बेचारों का, साइड वे रह जाता है, वरना वैसी किस्मत है यूक्रेन रशिया वाला वॉर, इजराइल हमस वाला वॉर आ जाता है तो और दिक्कत हो जाती है। या रही बची बात तो इंडरबर की कोई न्यूज आ जाती है ट्विटर पे, जिसको ट्विटर पर चलाना भी नहीं आता उसके बाद वो ट्विटर पे चलाने लग जाता लाइक मी। फिर आते हैं BTST वाले ट्रेडर। तो ये होते हैं सारे के सारे ट्रेडर जो बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर में पैसा लगाते हैं और पैसा बनाने के बाद में चीजों को कंप्लीट समझते हैं, राइट। होगी पर आप इसके बाद में भी बोलते होंगे कि रवि भाई हमारे को लास्ट में आकर के महीने में कुछ बचता नहीं, और बचता है तो 1-2 महीने फिर आ जाते हैं मार्केट ऐसे साइडवे, गैप अप गैप डाउन, फिर कैपिटल उड़ा देते हैं। तो आज इसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर हमें करनी है तो हमारा कैपिटल कैसे सेफ रहेगा। देखिए पैसा वही बंदा कमाता है जो मार्केट में टिका रहता है। 2-3 साल टिक जाओ फिर मार्केट देखना पैसा कैसे देती है, तो उसी का बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिक्कत है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, जैसे मान लीजिए हम इन्वेस्टमेंट अपने गोल्ड में डालें पर भैया पैसा बहुत कम मिलता है। पैसा मान लीजिए हम पैसा डालें अपना म्यूचुअल फंड्स में, वहाँ भी पैसा कम मिलता है पर रिस्क कम रहता है। या हम ETF में डालेंगे तो भी दिक्कत रहती, मार्केट क्रैश हो गया तो बहुत गंदा गिर जाएगा। अगर मार्केट में अगर हम मान लो FD में डालते हैं भैया वो सिक्योर तो है पर रिटर्न क्या ही देगा। LIC में लगा देते हैं पैसा बहुत सिक्योर है बट रिटर्न कुछ नहीं मिलता, डबल तो देगा पर 20-25 साल के लिए क्या करेंगे। आज 25 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र में वो पैसा हम अपने लिए यूज़ करने वाले थे वो किसी और के लिए यूज़ करना पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार की ट्रेडिंग के लिए हम दिक्कत होती है, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना कि अगर आप जॉब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर है। आज जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा एक साथ एक बास्केट में नहीं लगाना चाहिए, आपने कहीं ना कभी सीखा होगा। तो अभी मैं आपके लिए एक और चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें शायद आप इस वीडियो के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे। देखिए मैं इस चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, राइट। चार्टिंग लिखेंगे तो इधर आपके आ जाएगा, यहाँ सबसे पहले आपको स्टॉक स्कैनर एंड क्या बोलते हैं आपका स्कैन आ जाएगा, क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अपना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सर्च स्कैनर हो जाएगा, उसके नीचे आप सिर्फ अपने चैनल का नाम लिख देना DT4B और मार देना एंटर। एंटर मारते DT4B एंटर मारते बहुत सारे एंटर आ जाएंगे, ये पहले का कुछ दिया हुआ है, और आप DT4B पे क्लिक कर देना, राइट। DT4B पे क्लिक कर देना, किसी DT4B पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में ये सेटिंग्स आ जाएगी। अब इन सेटिंग्स में क्या होगा ना, आपको बहुत ऑलरेडी पहले से ही बताया गया हुआ है कि ये सेटिंग्स किसके लिए यूज करने वाले हैं। हम इसको यूज करेंगे बेसिकली सभी स्टॉक्स में जो यूज करने वाले होते हैं। इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट निकालते हैं और ये बैक टेस्टिंग में किस तरीके से स्कैनर काम किया है। इस स्कैनर में क्या होता है ना, आपको दिखेंगे कि ये स्कैनर
कैश के लिए, सिर्फ कैश के लिए, बैंक निफ्टी निफ्टी नहीं, सिर्फ कैश वाले स्टॉक जो एक्चुअली में कैश में काम करते हैं। हम रन करेंगे, रन करने के बाद अभी तो कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है हमारे पास खरीदने के लिए, बट हम बैक टेस्टिंग रिजल्ट पे चलते हैं। अभी हमारे पास पिछले 9 महीने में जितने भी स्टॉक अपने पास में आए हम उसके एक बार स्टडी करते हैं, तो हमने मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 27 मार्च 2023 को मुझे एक स्टॉक मिला था सर्विस सेक्टर का, स्मॉल कैप है, छोटी कंपनी है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक छोटी कंपनी जिसके अंदर में हमारे को कब एंट्री मिली, ये चीज नोटिस कीजिए। 27 मार्च को एंट्री मिली है दोस्तों, 27 मार्च आप देखेंगे 27 मार्च को मुझे एंट्री मिली और उसके बाद में स्टॉक जो दौड़ा है आपके सामने है, ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट स्टॉक ने मुझे 41% का रिटर्न दिया है विद द रिस्क ऑफ ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 6%। ओके, फिर चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक मुझे तकरीबन 3 अप्रैल को, मतलब अप्रैल में एक अगस्त में, मतलब ऑलमोस्ट मार्च में ज्यादा स्टॉक मुझे मिले नहीं, एक ही स्टॉक मिला, ग्लेनमार्क फार्मा। मुझे ग्लेनमार्क फार्मा मुझे मिला 3 तारीख को दोस्तों, 3 अप्रैल को, अगर आप देखेंगे 3 अप्रैल ये रही, 3 अप्रैल को मुझे ग्लेनमार्क फार्मा मिला और आप देख सकते हैं देखते ही देखते वो कितना ऊपर चला, राइट, देखते ही देखते ऑलमोस्ट वो अभी एकदम आसमान की ऊंचाई पे चल रहा है। देखिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग है और ये हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडिकेटर जो होते हैं, जो पॉसिबल इंडिकेटर होते हैं, हमने उसे यूज करके RSI, WMA, राइट, और आपका वॉल्यूम, सारी चीज यूज की गई है सो दैट आपको स्टॉक ऑलरेडी पर डेट के निकल जाएंगे। फिर 10 तारीख को एक और स्टॉक हमें मिला, ये सारे स्टॉक हरे कैश उसके हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से ये स्टॉक नहीं आ रहा होगा, तो ये गैट एंड डी करके कोई स्टॉक होगा शायद, इसमें नहीं दिखा रहा, दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, ओके, रिप्रो इंडिया, रिप्रो इंडिया हमारे को 15/5 पे मिला है, 15/5 मतलब जून में, 15/5 पे हमें जून पे मिला। देखो वॉल्यूम मिलती है इसमें और वॉल्यूम मिलते हैं हम एंट्री मारते हैं, 15 इसको हमने एंट्री मारी, ये आपका, और उसके बाद आप देख सकते हो इस सारे की सारी रैली इस तरीके, जब जब मार्केट गिरता है, जैसे अभी मार्केट गिर रहा है तो उसके बाद में इसमें स्टॉक्स आते हैं आपको मिलते हैं। उसके बाद अभी मैं रिसेंट स्टॉक की बात करूं जो मुझे अभी हाल ही में मिला था, 13 तारीख को एक स्टॉक मिला था और अब उसके बाद में तो उसकी रैली आप देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। 13 तारीख को आपको मिला था लास्ट 13 अक्टूबर एक बढ़िया रैली और उसके बाद अभी तक ये स्टॉक छाया हुआ है अपने लिए, ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न दिया है। तो देखिए ये स्कैनर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ये मैंने आपको डाल दिया है। अगर देखिए सुने, अगर आप इसका मेंबरशिप लेना चाहते हैं चार्टिंग का, जो कम रिकमेंडेड नहीं है, लेना चाहो तो मैं नीचे डाल दूंगा सो दैट आप रियल टाइम डेटा ले सकते हैं। अब इसे यूज कैसे करते हैं, देखिए यूज करने का सबसे सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीका इतना भी सिंपल नहीं है कि बहुत ही ज्यादा सिंपल, सिंपल काफी है कि आपको सुबह आपको 3 बजे आना है, डेली 3 बजे आना है और इस स्कैनर को स्कैन करना है, और स्कैन करने का तो कोई स्टॉक हो तो 3 बजे स्टॉक को उठा लेना है सो दैट वो आपको 3-4 दिनों में पैसा दे दे। अब इसमें स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस है, मान लो आपने स्टॉक उठाया 13 तारीख को तो आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, SMMA यूज करेंगे, स्मूथ एंड मूविंग एवरेजेस। एवरेजेस लगाने के बाद में जिस कैंडल पे आप बाइंग कर रहे हैं उसी कैंडल का लो या SMMA का लो और या तो पिछली कैंडल के लो के नीचे SL डालेंगे और टारगेट आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। मेरा मानना है कि मैं कम से कम 10% का टारगेट रखता हूं, 10% मिलते मैं स्टॉक से निकल जाता हूं। 2024 के लिए सबसे बेस्ट स्कैनर है क्योंकि मैंने 2020 से मार्केट अप जरूर रहा है, अगर ये अप ट्रेंड के ही ट्रेड देता है, अगर डाउन ट्रेंड मार्केट आता है तो ट्रेड मिलेंगे नहीं, सिंपल सी चीज है। तो दोस्तों ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है अगर आप इसे यूज करते हैं तो। ये स्कैनर का लिंक भी डाल दूंगा नीचे और वीडियो को पूरा ध्यान से समझना सो दैट आप समझ पाओगे कि इन्वेस्टमेंट में पैसा कैसे बनता है। ये है पार्ट वन है, पार्ट टू में जब लाऊंगा, अगर आपको ये अच्छा लगता है, जब भी दूसरा स्टॉक आ गया तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और देखते हैं हम कितना उसमें कमा सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको सच में बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि स्कैनर मैं जरूर यूज करता हूँ। अभी हाल ही में तो मुझे कोई स्टॉक मिला नहीं है, अगर मुझे कोई स्टॉक मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ में स्ट्रीम के साथ शेयर जरूर करूँगा क्योंकि आपको सिर्फ अक्टूबर में एक ही स्टॉक मिला था, उससे पहले M6 था। अभी 29 एक M6 और देख लेते, 29 तारीख को मुझे मिला था, 29 सितंबर को, देखिए 29 सितंबर के बाद में तो मुझे एक बार भी शायद निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, SMMA के साथ में ट्रेल करते चले जाओ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, आप इसे यूज कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इसे यूज करता हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो आप इसे बिल्कुल ले लीजिए, रेफर कर लीजिए, या आप इसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहें तो गो फॉर इट, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए दोस्तों एंजॉय कीजिए
अपने मॉम डैड का ख्याल रखिए।